वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सेवंथ हाउस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सप्तमेश सेवंथ हाउस से हम किन किन बातों को देखते हैं जन्म कुंडली में, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले मित्रों, सेवंथ हाउस का कारक ग्रह वीनस को माना गया है। जी हाँ दोस्तों, सेवंथ हाउस का कारक ग्रह शुक्र ग्रह को माना गया है। सेवंथ हाउस से दोस्तों हम विवाह, दाम्पत्य जीवन प्रमुख रूप से इसे देखते हैं। सेवंथ हाउस से हम स्त्री सुख को अर्थात पत्नी सुख को देखते हैं, शादी को देखते हैं, विवाह को देखते हैं। सेवंथ हाउस से मित्रों डेली इनकम को भी देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, डेली इनकम का विचार भी सेवंथ हाउस से किया जाता है। सेवंथ हाउस से हम पार्टनरशिप साझेदारी को भी देखते हैं। अपने कंपटीटर को भी हम सेवंथ हाउस से ही देखते हैं। दोस्तों सेवंथ हाउस मारक स्थान भी माना गया है। जी हाँ दोस्तों, सेवंथ हाउस सातवां भाव मारक स्थान भी कुंडली में माना जाता है। शरीर के अंगों की बात करूं दोस्तों, तो कमर और मूत्र प्रणाली पर इन अंगों को अगर देखना हो तो इन अंगों के रोगों के बारे में सेवंथ हाउस से ही पता चलता है। दाम्पत्य जीवन के सुख को, जी हाँ दोस्तों, दाम्पत्य जीवन के सुख को अगर देखना हो तो हम बहुत सूक्ष्म रूप से सेवंथ हाउस यानी सेवंथ भाव को ही देखेंगे। व्यक्ति की काम शक्ति, जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति की काम शक्ति को भी हम सेवंथ हाउस से ही देखते हैं। दोस्तों जीवन में अदालती झगड़े और लड़ाई झगड़े, इन्हें भी हम सेवंथ हाउस को बहुत ध्यान से देखकर इसे जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्टनरशिप में व्यक्ति की कैसी बनेगी, पार्टनरशिप करना व्यक्ति के लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, साझेदारी में कार्य करना, साझेदारी व्यक्ति के लिए शुभ होगी या अशुभ होगी, इस बात का निर्णय सेवंथ हाउस को ही देखकर किया जाता है। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें, इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।